अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाई हूँ, मल के इडली। तो चलिए यहाँ पर नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज थोड़ी सी डिफरेंट इडली बनाई हूँ, मल के इडली। बहुत सॉफ्ट, स्पंजी, बहुत अच्छी रहती है। चार इडलियाँ खाना भी एक, एक इडली खाना भी एक। तो चटनी बनाने मेरा मूड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मैं दाल के साथ नाश्ता कर रही हूँ। दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा काम था ख़त्म करके यहाँ पर बना रही हूँ बिस्सी बड़े बाद। तो होममेड मसाला ही डालती हूँ। तो अच्छा लगता है होममेड मसाले डाल के पका के खाना, बाहर के कलर के मसाले से वेट करिए। तो यहाँ पर इसलिए मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और मोमो के लिए यहाँ पर फिर इडली बनाई थी, बच्चे को दे देंगे। कौन सी इडली बा? मल्ली की इडली। खाओ। करेक्ट। यस, बराबर गेस्ट करे ना तुम्हें कैसा। हमारे यहाँ है नहीं, बिस्सी बड़े बाद भी बन रहा है साथ साथ में। वाह, गर्मा गर्म, सॉफ्टी, स्पंजी। खा लो। तो यहाँ पर देखिए सारी तरकारी दाल को मैं बना डाली पिसी बड़े बाद। तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा टेस्ट। कम दाल को पिसी बड़े बाद घर में बनाए तो वो खाने का टेस्ट ही कुछ और रहता है। तो साथ साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सूरत खजाना शिवाजी नगर नया ओपन हो गए, ज़रूर से विजिट कर लीजिए। पूरा वीडियो देख के समझिए क्या क्या है बोल को। तो यहाँ पर इसी बड़े बात देखिए, ये भी मसाला ऑर्डर का था तो मैं सोची कि चलो पहले मैं ही बनाऊँगी, तेज टेक के बाद में मेरे कस्टमर्स को भेजने वाली हूँ। इंस्टेंट से घर में एक बना लेती हूँ उस समय। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खारी बूंदी, बहुत टेस्टी बनती है, होम मेड ही है ये। जब किसी बड़े बाद बनाती हैं तो खारी बूंदी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए बड़े इजी से 50 ग्राम में आप कम से कम 1.25 किलो बनाया जा। क्या भी नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसन में हल्दी मिलाई और थोड़ा सा सॉल्ट मिला को यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। उसी बड़े बात में खारी बूंदी नहीं रही है तो और दही की चटनी लाजमी होना। तो यहाँ पर देखिए पूरी बूंदी को मैं फ्राई कर चुकी हूँ। घर में बनाए तो हमारे ऑयल में एकदम फ्रेश खाने का खुशी कुछ और रहती है। एकदम फ्रेश चीज़ हम खा को देखो, कुछ भी नहीं होता, गैस्ट्रिक नहीं होता और सेहत तंदुरुस्त भी रहती है। थोड़ी सी मेहनत पड़ लीजिए ताकि फ्रेश खाने के वास्ते। यूट्यूब फैमिली, मेरे सिस्टर्स, ये सभी मैं फुल रेसिपी बना नहीं सकी क्योंकि हमारे घर में थोड़े से गेस्ट भी आ गए थे और शॉपिंग को भी जाने का था, इसीलिए मैं ये सब कुछ इंशाल्लाह फ्री होके मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ही बेसन काटा उसमें बच गया था और थोड़ा बेसन मिला के यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से थोड़ा घी डाल के फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से फ्राई करिए स्लो आंच में। खारी बूंदी बना के वास्ता मैं क्या करती हूँ, लड्डू बना चू। लड्डू देखो मेरी यूट्यूब फैमिली का भी बोलो ना को तुम्हें ऐसा मंजे मालूम नहीं था नहीं। करेक्ट गेस करी मैं। यस, इसमें कैसा लड्डू बनता है वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए अच्छी तरह से, अच्छा फ्राई करना
अंदर कच्चे नहीं रहना इस तरह से। आराम से आप इसमें भी बता थोड़ा सा एक 100 ग्राम आटे में चने का आटा यानी कि बेसन में 250 ग्राम लड्डू बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू कैसा बनाना आपको सिर्फ चिपके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह इसकी सारी डिटेल्स में रेसिपी भी एक दिन में शेयर करूंगी, नहीं तो शॉर्ट्स में डालूंगी। देख के आप ही ज़रूर से बनाइए, बच्चों को बना के दीजिए। चने की दाल में मैं लड्डू किस तरह बनाई हूँ ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, चेक कर लीजिए। और अभी मैं बना रही हूँ बेसन के आटे में, इंशाल्लाह ये भी मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इतना ही ज़्यादा क्या भी काम नहीं, यहाँ पर बन रही है दही की चटनी। किसी बड़े प्याज के साथ दही की चटनी बहुत अच्छी रहती है, ज़रूर से बनाइए। अगर आपको डिटेल्स में किसी बड़े बात की रेसिपी होना रहे तो कमेंट्स में डालिए, और लड्डू का भी। तो यहाँ पर दही की चटनी भी हमारी बन गई है। यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें डाली हूँ मैं प्याज और ककड़ी और थोड़ी सी खट्टी मिर्च, थोड़ा सा नमक, इतना ही डालती हूँ, बहुत टेस्टी रहता है। और तो सारे लड्डुओं को मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो अच्छी तरह से पीस करके अच्छी तरह से हम मिक्सी में स्टॉप कर करके पीस लेंगे। यहाँ पर देखिए साबूदाना सेव दाल को मीठा बना रही हूँ, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली। चार इलायची कूट को डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बनाने के वास्ते शीरा नहीं बनाना, अभी इनसे याद आ गया कि मैं वो खारी बूंदी बनाने के टेम्पो छोड़कर वो पीस ले को इसमें मिक्स करे सो। हाँ वो शीरे में चक्कर में अब 2 मिनट इसे गर्म में मुझको रखना। इसी बड़े पकाए थे हमारे घर में ये सनत का मंजे छोना, क्योंकि तो मैं खाली पीसी बड़े नहीं खाती। क्या होना तुम्हारा मीठा यहाँ पर सनत को नोच सनत भाई सनत भैयारी इसमें हाफ स्पून घी डालेंगे। वाह हाफ नहीं वो 2-3 टेबल स्पून डाला ली तो नहीं नहीं लड्डू अच्छे बनना तो थोड़ा सा घी लगता है क्या मुनीत लड्डू में बैठती है। हेलो तुम्हें लड्डू बना लेती है ठंडा होगा जब जरा गर्म रहना लड्डू बना इधर जामुन में बनाना लड्डू में बनाना रसगुल्ले में बनाना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा करको, ज़्यादा ठंडा नहीं करना लड्डू खुल जाती, थोड़ा सा घी लगा ले को छोटे छोटे बना लो, बहुत टेस्टी बड़े मज़े के रहती है लड्डू एकदम फ्रेश घर में बनाई हुई चीज़। और घी दाल को खाए तो और भी अच्छा रहता है। हमारा मीठा बन के तैयार है, बहुत टेस्टी रहता है मेरी टू फैमिली। तो आज हमारा लंच है ये, ऐसा थोड़ा सा लिक्विड रहना मीठा, पत्ता भी गाढ़ा नहीं बनाना। यहाँ पर घर बैठे आराम से मज़ेदार लड्डू बना सकते। तो चलिए बड़ी अम्मा को भी इस तरह के आइटम बहुत पसंद आते हैं, मेरे टू फैमिली गर्मा गर्म दे के आएंगे। लड्डू लग जाती है लड्डू भी लग जा रही जी, बड़ी अम्मा को मीठा पसंद हमारे घर का। अच्छा बड़ी अम्मा को मीठा पसंद हमारे घर का खासो खास, क्योंकि तो शुगर कम रहता है ना, बस ये तो खा दे पहले। तो जाकर बड़ी अम्मा की दाल खाती हूँ क्लोज करती नहीं हवा लगना बढ़िया माँ को, अब पहले चीज़ें गर्म नहीं खिलाना कहते ठंडा ठंडा। टिश्यू पेपर ले ली जाती हूँ ठंडा कर ले जाती हूँ जब तक। वाओ सुपर माशाल्लाह, तोड़ को दिखाओ मोमो एक क्यों वो शेप खराब हो जाता। अब खाते नहीं तोड़ को तुम्हें क्या क्या बनाया आज तुम्हारे घर में? तो यहाँ पर देखिए बनाए साबूदाना साबूदाना मीठा सेवियां भी साथ में
दही की रायता। नेक्स्ट ये प्लेट लो, ये दही खाना ले। तो हमारा लंच परफेक्ट एकदम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, बिसी पहले बात किसे किसे पसंद है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल्स में रेसिपी शेयर करूँगी और दिखाऊँगी डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए इस तरह हो ना, मज़ा आ जाता है और खाने की खुशी कुछ और रहती है। फुल वेज थाली बनाई थी मैं, मुझे अच्छा लगता है मटन चिकन से ज़्यादा इस तरह से होना, पेट भर को खाई जा। कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा, वेरी फाइन। ये लड्डू होममेड, मीठा नहीं तो अच्छा नहीं रहता। नहीं पसंद आया इसी बड़े बात अच्छा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लड्डू सेट होने के बाद इसको देखिए, जूसी एकदम टेस्ट। जैसा बाहर के लड्डू खाते हैं तो उसमें ज़्यादा शुगर रहती है, घर में बना को हमारे हिसाब से खाए तो उसका टेस्ट ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वेज थाली बन गई है मेरी यूट्यूब फैमिली। जो सब्ज़ी होना वो दाल को बना सकते हैं, हेल्दी भी। तो देखिए खाली बूंदी भी घर के, छिफली भिंजा भी घर के, और ये मसाला भी, और लड्डू भी, दही भी, खाली कंकड़ी बाहर की। यस, आइए मेरी यूट्यूब फैमिली लंच करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर ऐसा डाले तो क्या आती चिकट रहते पूरा ही। दूध की टुकड़े आ रहे हैं थोड़े, तो यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर दाल को इस तरह से आप वॉश बेसन क्लीन कर डाले तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। वारे में एक बार या दो दिन में एक बार करें तो भी परवाह नहीं, तीन दिन में एक बार परवाह नहीं। तो सारा ब्लीचिंग पाउडर मैं यहाँ पर डाल चुकी थी, एक 20 मिनट्स हो गया है तो क्लीन कर लेंगे। तो किचन का ब्रश है, वॉश बेसन हो गया या टाइल्स हो गए क्लीन करने के लिए ला के रखी हूँ। तो सारा पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी मेरी यूट्यूब फैमिली। इसी तरह से मैं क्लीन करती हूँ। आप बहुत कमेंट्स में बोले थे कि आपका वॉश बेसन क्लीन है, तो इसलिए मैं सोची कि आज क्लीन करते करते ये किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि थोड़ी सी हेल्प आपको भी हो जाती है। तो देखिए कैसा पत्थर चमकने लग जाता है। अच्छी तरह से ब्लीचिंग पाउडर डाल को 20 मिनट्स छोड़ दीजिए ब्लीचिंग पाउडर डाल को, बाकी का सारा जितना भी उसमें ऑयल का हो गया या कुछ भी है तो सारा ब्लीचिंग पाउडर से निकल जाता है, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं, आराम से क्लीन हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर डालने से। अभी हम ऑयल के बॉटल आई है वो यहाँ पर रख लेते हैं, तो क्या होता मतलब उसका जिकटागी बैठ जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर डालने से सारे उस जितने भी जिकटागी रहती है निकल जाती है। सेखा पनर छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सारा क्लीन कर लेंगे मेरी यूट्यूब फैमिली। बहुत आराम से निकल जाता है जो भी यहाँ पर गंदगी रहती है, यहाँ पर देखिए कितने आराम से निकल रही है। ऐसा हो जाता है ना ऑयल के बॉटल रखने से, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर डालना। ज़रा सामना हमारे नीचे नहीं रहते किचन में या डाइनिंग टेबल के नीचे सब पानी चल जाता है, सारा घर क्लीन कर डालती मैं, क्या करूँ, इसलिए यहाँ पर ही आराम से कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गैस स्टोव भी साथ साथ में मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। हफ्ते में एक बार ज़रूर से मैं क्लीन करती हूँ इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर डाल को, मुझे अच्छा लगता है क्लीन करना। ऐसे ही छोड़ ले तो ज़्यादा गंदगी नहीं होने देती मैं। Thank you.
तो यहाँ पर देखिए सारा क्लीन हो गया किचन का, कम से कम एक आप बनाने लगता है। क्या करना, क्लीन रहना तो सब कुछ करना, और हमेशा एक ही काम में नहीं रह सकते ना, कुकिंग 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 कर रहे तो साथ साथ में ये भी गलीज हो जाता है। तो इस तरह से जब भी मैं क्लीन करती हूँ सारा भी एक ही साथ में क्लीन कर लेती हूँ, वो भी क्लीन नहीं करके रख लिए तो सारा गलीज आ गई, मैं अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ सोची कि चलो थोड़ा बहुत तो क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी कुकिंग करती हूँ, ऑयल और घी कुछ भी रहता है तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल रहा तो कुकिंग करने भी पोर मारता किचन में। इसलिए मैं यहाँ पर दो दिन में या चार दिन में एक बार इस तरह से क्लीन करके अच्छी तरह से रखती हूँ, ताकि किचन है तो किचन में ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहतेंगे या कुछ ना कुछ पकाते रहते हैं, और ऑयल घी का रहता है ना अच्छा नहीं लगता मुझे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया, पसंद आया तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करके देखिए वीडियो में क्या है बोल को। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि रोज़ रोज़ के वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सैटरडे का वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इंगेजमेंट की वीडियो इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूँगी। इक्लिप्स दिखा रही हूँ ना, कल इंशाल्लाह इसकी वीडियो आएगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के वास्ते, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।